तो जैसा कि कल हम लोगों ने ये बात किया कि कैफे कॉफी में जॉब का प्रोसेस क्या है, वहाँ पे इंटरव्यू कैसे लेते हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर क्या होता है, तो उसके बाद दूसरा नंबर आ जाता है बरिस्ता। बरिस्ता ये बहुत फेमस कॉफ़ी शॉप है, और अगर कंपेयर किया जाए तो कैफे कॉफी डे और बरिस्ता में तो बरिस्ता नंबर एक पे आएगा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि इनका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा होता है, फूड वगैरह भी बहुत अच्छा होता है, सर्विस भी अच्छी है, और जैसे इनके यहाँ जो होता है कि वाईफाई वगैरह ये सब जो है कि फ्री होता है, कुछ नई न्यू अपडेट्स होते हैं, इनका सेल्स प्रमोशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप जब बरिस्ता में इंटरव्यू के लिए अब जब तैयार हो जाते हैं, बरिस्ता में इंटरव्यू जाने देने के लिए जब जाते हो, तो मेनली ये क्या है, इनके पास ये एक्सपीरियंस बंदा ज़्यादातर जो खोजते हैं, जिसके पास मिनिमम 1 ईयर और 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो, तो उनको ज़्यादातर से हायर करने के लिए करते हैं। तो अगर आप कैफे कॉफी डे का एक्सपीरियंस है, तो आपको इजी जो है बरिस्ता में एकदम इजी जॉब लग जाएगी, और सैलरी भी जो है कि बरिस्ता से कैफे कॉफी डे से एक्स्ट्रा बरिस्ता वाले पे करते हैं। तो सेम प्रोसेस होता है, आप अपना CV उनको सबमिट कर दीजिए, या तो ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इनका गूगल पे जा करके www.barista के थ्रू जा करके जो है कि ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको सेम क्वेश्चन आंसर वही होता है, आपको बेसिक नॉलेज कॉफ़ी की होना चाहिए, एस्प्रेसो पोरिंग का टाइम कितना होता है, कैपेचिनो फ्रॉथिंग टाइम कितना होता है कैपेचिनो में, और आपका टेम्परेचर इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और जो है कि मैनुअल कॉफ़ी को जो है आप ग्राइंडिंग जो है कॉफ़ी को ग्राइंड कैसे करेंगे, कोर्स मीडियम फाइन ये सब के बारे में ग्राइंडिंग लेवल जो है आपको समझना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आ जाता है कि आप अपने बारे में बताइए, तो आप अपने बारे में जैसे वही फिर वही सेम आपका क्वेश्चन आ जाएगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आप अपने बारे में ही बताइए, ज़्यादा घुमा फिरा करके बताइएगा तो बहुत सारा सवाल उठेगा, और जो ट्रू है वही ट्रू ही बोलिए, ज़्यादा घुमाओगे आपको ज़्यादा सवाल होगा, आप उसमें जो है कि फंस जाइएगा। तो आप अपने बारे में बताइए, जो आपके पास एक्सपीरियंस है आप एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, मेक श्योर जो आपके पास एक्सपीरियंस हो वही बोलिए, और उसकी जो है कि प्रॉपर जो है तैयारी करके ही जाओ। तो कॉफ़ी नॉलेज आपको आ गया उसमें, और थोड़ा सा फूड नॉलेज भी आपको होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे वो लोग फूड भी बेचते हैं, तो फूड सप्लायर जो होता है फूड उनको देता है, वो फूड जो है कि रीहीट करके वो लोग दे देते हैं। तो बरिस्ता के पास किचन भी है, जो अपना इंटरनली जो है कि पिज़्ज़ा पास्ता लज़ानिया फ्रेंच फ्राइज वगैरह जो है वो लोग खुद बना करके ही सेल करते हैं। अब आ जाता है कि वो कॉफ़ी का, तो आप कॉफ़ी और POS नॉलेज वगैरह वो इंटरनली जब आप बरिस्ता ज्वाइन कर लेते हो तो 15 डेज़ का ट्रेनिंग देंगे वो, उसके बीच में आपको सब नॉलेज हो जाता है। और इंटरव्यू में जैसा अगर फॉर एग्जांपल आप स्टोर मैनेजर के लिए जाते हो, तो स्टोर मैनेजर की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए, इन्वेंट्री क्या होती है इन्वेंट्री पता होना चाहिए कि, और आपको स्टोर मैनेजर और क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्टाफ को कैसे मैनेज करेगा, ये अगर कोई इशू हो जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये आपका स्टाफ कोई बात नहीं मान रहा है आप आपका, तो आप स्टाफ को कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे, कोई कस्टमर कंप्लेन आ जाती है तो कस्टमर कंप्लेन को कैसे मैनेज करेंगे, ये सब सारी जो है तैयारी करके आप जाइए, डेफिनेटली आपको जॉब ईजी हो जाएगी। बहुत ही फ्रेंडली उनका इन्वायरमेंट होता है, उनका HR बहुत अच्छा होता है, ऑपरेशन मैनेजर वगैरह का बिहेवियर बहुत अच्छा होता है। अगर आप स्टारबक्स से और यो कैफे कॉफी डे से या कोई भी कॉफ़ी शॉप से अगर एक्सपीरियंस लेके जाते हो, तो आपके फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। और इनका बरिस्ता का नाम बहुत ज़्यादा है, अगर बरिस्ता का एक्सपीरियंस आप ले लेते हो तो आने वाले टाइम पे आप अगर कहीं पे भी आप जाते हैं तो आपको जो है इजी जॉब मिल जाएगी।